वेलकम बैक व्हीकल ओनर्स, दिस इज करण जॉइंड बाय शे सिंह टुडे। एंड शे सिंह, आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि मैंने शुरू में कहा ना कि वेलकम बैक व्हीकल ओनर्स। और आज की वीडियो में हम यही बताने वाले हैं कि हाउ यू कैन वॉश क्लीन एंड प्रोटेक्ट योर मैट पेंटेड कार एंड बाइक। और शे सिंह, हो पता क्या रहा है, मैंने ओन तो कर ली कोई कार या बाइक जो मैट पेंटेड है, क्योंकि एक मैं मैट कलर लवर हूँ, राइट, लेकिन उसको प्रोटेक्ट कैसे करना ये नहीं पता चल रहा। एग्जैक्टली, हमें हमारे काफ़ी सारे व्यूअर्स के, हमारे जो फॉलोअर्स हैं, एंड स्पेशली दोज ऑडियंस जिनको विवेक्स ऑटो केयर के प्रोडक्ट्स से बहुत प्यार है, वो हमें कॉन्स्टेंटली कॉल, मैसेज या राइट करके कह रहे हैं कि यू शुड डू समथिंग फॉर दिस सेगमेंट। क्योंकि बहुत सारे ओनर्स हैं, आप, हो सकता है जो इस समय अभी आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो आपके पास एक मैट रॉयल एनफील्ड बाइक हो सकती है, एक मैट स्कोडा कार हो सकती है, मैट जावा बाइक हो सकती है, मैट यामाहा बाइक हो सकती है, मैट किया कार हो सकती है, एंड द लिस्ट इज एंडलेस। तो आपने ये देखा होगा कि उसमें कितने प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। अच्छा, फर्दर मोर, कहीं तो इतने पैशनेट व्हीकल ओनर्स हैं करण, जो मैंने देखे हैं, जिनकी ग्लॉसी पेंटेड बाइक्स या कार्स होती है, पर उस पर मैट रैपिंग करा देते हैं। मतलब उनको मैट का इतना क्रेज है, इतना ऑब्सेशन है। अच्छा, प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम उसमें ये आ रही है कि जो जो मैट की लुक है वो ओवर टाइम वो डिसकलर फेड हो रही है, जो मैट की जो शोरूम क्रिस्प सैटन लुक होनी चाहिए वो बरकरार ही नहीं रह रही है। उसका रीज़न मैं बता देता हूँ कि आप ऑनलाइन सर्च कर रहे हैं कि कौन सा प्रोडक्ट सही है मेरी मैट पेंटेड व्हीकल के लिए, लेकिन कई बार आप रॉन्ग प्रोडक्ट बाय कर रहे हैं, और हो क्या रहा है कि आप अनजाने में उन प्रोडक्ट को अपने मैट पेंटेड व्हीकल पे यूज़ कर रहे हैं, और लॉन्ग टर्म में उसकी मैट फिनिशिंग, मैं कहूँगा कि कई लोगों की मैंने व्हीकल्स देखे हैं, उनकी जो मैट पेंटेड व्हीकल है ना, वो ग्लॉसी से भी ज़्यादा शाइन कर रही है जी। अब मैंने इन्वेस्ट किया है इसकी मैट फिनिश को बरकरार रखने के लिए, लेकिन रॉन्ग प्रोडक्ट या फिर रॉन्ग गाइडेंस की वजह से मैंने अपनी वो सारी जो फिनिश है, मैट फिनिश, वो ख़राब कर ली है। इसीलिए हम आज की वीडियो आपके लिए स्पेशल लाए हैं कि कैसे आप अपने मैट पेंटेड व्हीकल्स की जो लुक है वो लंबे समय तक बरकरार रख सकते हैं। सो व्यूअर्स, अगर आपकी मैट बाइक है, मैट कार है, या इवन आपने ग्लॉसी कार या बाइक पे मैट रैपिंग कराई है, मैट पीपीएफ कराई है, जो प्रोडक्ट्स आज हम डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं, जो आज आपके लिए लेके आए हैं, दे आर गुड फॉर ऑल ऑफ दीज कैटेगरीज। सो विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल मिनट, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो हम अपने मैट प्रोडक्ट्स यूज करने वाले हैं हमारी इस बाइक पर, दैट इज रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 स्टेल्थ ब्लैक। सो मैट पेंटेड व्हीकल है हमारा आज, लेकिन शेर सिंह, मैं क्या देख रहा हूँ कि बाइक बहुत ही गंदी हुई पड़ी है, राइट जी। इंजन की हालत देखो, एंड चेन कवर भी नहीं है इसका तो जी। तो कितनी कितनी डर्ट जमी हुई है सब तरफ ही। तो सेम विद कार, कि उसके इंजन पे भी अगर डर्ट है, इंजन बहुत गंदा है, तो कौन सा प्रोडक्ट आप पहले सजेस्ट करेंगे? सो करण, दैट्स अ ग्रेट क्वेश्चन। बेसिकली इंजन्स को क्लीन और डिग्रीज करने के लिए वेवेक्स का ऑल पर्पज क्लीनर एंड डिग्रीजर हमने फॉर्मुलेट किया है, जो कि बहुत ही एफिशिएंटली इंजन्स को क्लीन कर देता है। एंड बस थोड़ी सी बातों का ध्यान रखना होता है जब हम इसे यूज़ कर रहे हैं, दैट द इंजन सर्फेस शुड बी एब्सोल्युटली कूल टू टच, गर्म नहीं होना चाहिए। एंड जब आप सोल्यूशन को प्रिपेयर करते हैं फॉर बेस्ट रिजल्ट, अगर आप इसे प्रीरेंस करें विद वाटर, हाई प्रेशर वॉशर के साथ, तो जब आप उसे केमिकल को यूज़ करेंगे इंजन पे, तो आपकी जो क्लीनिंग रिजल्ट्स है वो और भी ज़्यादा अच्छी होंगी। सो आई थिंक विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, वी शुड गेट इनटू इट। द बेस्ट मेथड ऑफ क्लीनिंग अ कार और बाइक्स इंजन इज विद द असिस्टेंस ऑफ द वेवेक्स ऑल पर्पज क्लीनर एंड डिग्रीजर। दिस इज अ स्पेशली कॉन्सेंट्रेटेड अल्कलाइन बेस्ड फॉर्मुलेशन दैट हैज बीन डेवलप्ड टू इम्पेकेबली क्लीन कार एंड बाइक्स इंजन। सो नो मैटर हाउएवर डर्टी दे आर, इट विल डू अ वंडरफुल जॉब। So before using this product on the car or bike's engine, you need to make sure that the engine surface is cool to touch. You can also give it a pre-rinse with the help of a high pressure washer. And after you rinse it, you can directly spray the all-purpose cleaner and degreaser on the car or bike's engine. Then using a pencil detailing brush, you just need to gently scrub the area. And then later rinse it off with free flowing water. And that's how you can clean your car or bike's engine.
सो बाइक के इंजन को हमने प्रॉपरली क्लीन एंड डिग्रीज कर दिया है. नाउ वी आर गोइंग टू टेक केयर ऑफ द टायर्स एंड द व्हील्स. सो इसके लिए भी मैं विवेक्स का ऑल पर्पज क्लीनर एंड डिग्रीजर यूज करूंगा अलॉन्ग विद द ऑल न्यू विवेक्स टायर क्लीनिंग ब्रश. सो लेट्स बिगिन. तो जैसे कि आपने अभी देखा, हमने वेवेक्स का मैट वॉश शैम्पू वेवेक्स के वॉश बकेट प्लस ग्रिड गार्ड में पोर कर दिया है एंड वी आर गोइंग टू स्टर द सॉल्यूशन नाउ विद द असिस्टेंस ऑफ द ऑल न्यू वेवेक्स 2-in-1 माइक्रोफाइबर वॉश मिट ग्लव. सो लेट्स बिगिन. Now with the assistance of the all new Wavex 40x80 Multi Monster 1200 GSM microfiber towel, I'm going to dry wipe this motorcycle. सो व्यूअर्स, जैसा कि आपने देखा कि शेर सिंह ने अच्छे से बाइक को यहाँ पे क्लीन एंड वॉश कर दिया है विद वेवेक्स मैट वॉश शैम्पू. एंड शेर सिंह, यहाँ पे एक क्वेश्चन ये अराइज हो रहा है मेरे मन में कि वाई वी आर यूजिंग वेवेक्स मैट वॉश शैम्पू, बाकी भी तो शैम्पू हैं, उनको क्यों नहीं यूज़ कर रहे. एंड साथ ही के साथ मैं अपना एक एक्सपीरियंस भी शेयर करूँगा कि जो प्रोफेशनल वॉश सेंटर हैं या DIY एंथुसियास्ट हैं, वो अपने मैट पेंटेड व्हीकल पे कोई भी शैम्पू नॉर्मल यूज़ कर रहे हैं, तो उसका नुकसान क्या है? दैट्स एन एक्सेलेंट क्वेश्चन. आपने व्यूअर्स ने भी ये नोटिस किया होगा कि नॉर्मली वॉशिंग सेंटर्स में भी प्रोफेशनल वॉशिंग सेंटर्स ओनर्स नॉर्मल रेगुलर शैम्पूज यूज़ करते हैं, विच इज़ अ वेरी रॉन्ग प्रैक्टिस. मैट वॉश शैम्पू यूज़ करने का और डेवलप करने का पर्पस समझने के पीछे पहले आपको मैट की पेंट को समझना बहुत ज़रूरी है. देर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन ग्लॉसी पेंटेड व्हीकल्स एंड मैट व्हीकल्स. जो प्राइमरी डिफरेंस है वो ये है कि ग्लॉसी पेंटेड जो व्हीकल्स, कार्स या बाइक्स हैं, उस पर क्लियर कोट पेंट टेक्नोलॉजी होती है, right. जो कि मैट व्हीकल्स पे नहीं होती. अब मैट व्हीकल्स पे क्या होता है, मैट व्हीकल्स की जो पेंट है उसकी टेक्नोलॉजी इस तरह है कि वो इसे एक नॉन रिफ्लेक्टिव, वेरी स्टैटिक, वेरी लो शीन जो है फिनिश एक उसको देती है.
तो और सबसे बड़ी बात ये है मैट शैम्पूज की फिजिकल प्रॉपर्टीज की अगर बात की जाए तो नॉर्मली ग्लॉसी पेंट्स के कंपैरिजन में फिंगर मार्क्स हो गए, कोई स्मजेस हो गए, कोई लाइट डर्ट डस्ट कंटेमिनेशन वगैरह होगी, वो बहुत विजिबल हो जाती है. बट मैट की टेक्नोलॉजी ऐसी है, स्पेशली इफ आई टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर मॉडल ऑफ द रॉयल एनफील्ड बाइक, इसमें जो वो लाइट स्मजेस हैं, फिंगर प्रिंट्स हैं, लाइट डस्ट एक्यूमुलेशन है, वो इतनी विजिबल नहीं नजर आती ड्यू टू इट्स नॉन रिफ्लेक्टिव सर्फिस. पर जितना ही अच्छा ये फिजिकली टू द आईज अपीयर करता है उतना ही इसकी मेंटेनेंस इतनी मेटिकुलस है, बहुत डिफिकल्ट भी है. सो इसका रीज़न ये है कि मैट वॉश शैम्पू इसे कॉम्प्लीमेंट करता है और द रिजल्ट इज इन फ्रंट ऑफ योर आईज, सो इट हैज गिवन इट अ शोरूम लाइक क्लीन लुक. बिल्कुल, जैसे अभी अभी हम इसको शोरूम से लेकर आए हैं, बिल्कुल ऐसी लुक आ रही है. लेकिन एक बात और है कि बाकी पेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे पास वेवेक्स वैक्सेस हैं, सीलेंट्स हैं, कोटिंग्स हैं, तो इस मैट पेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे पास क्या है? जी, वेरी वैलिड क्वेश्चन. सो मैट वॉश शैम्पू यूज़ करने के बाद व्यूअर्स हमारे मैट फिनिश मेंटेनर यूज़ कर सकते हैं. मैट फिनिश मेंटेनर, यस. तो जैसे कि इसका नेम सजेस्ट करता है, इट हैज़ बीन स्पेसिफिकली फॉर्मुलेटेड टू मेंटेन द मैट कंपोनेंट्स, द मैट पेंट्स ऑफ कार्स एंड बाइक्स जिनकी मैट फिनिश है, साथ ही जिन व्हीकल्स पे मैट पीटीएफ हुई है, मैट रैपिंग हुई है, उनके लिए भी वो बहुत एक्सलेंट है. एंड यू कैनॉट यूज सीलेंट्स, यू कैनॉट यूज वैक्सेस, यू कैनॉट यूज अब्रेसिव बेस्ड प्रोडक्ट्स ऑन दीज व्हीकल्स, क्योंकि जैसे कि मैंने स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में एक्सप्लेन किया था, ये इनके लिए बिल्कुल सूटेबल नहीं है. और मैट फिनिश मेंटेनर इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर इट. नाउ आई एम गोइंग टू यूज द वेवेक्स मैट फिनिश मेंटेनर ऑन दिस बाइक विद द असिस्टेंस ऑफ द माइक्रोफाइबर एप्लीकेटर पैड. बाइक की लुक तो एकदम परफेक्ट हो गई है. तो शेर सिंह, यहाँ पे मैं ये पूछना चाहूँगा कि मैट वॉश शैम्पू और मैट फिनिश मेंटेनर दोनों को एक साथ यूज़ करना ज़रूरी है? राइट. सो द आइडिया इज़ कि मैट फिनिश मेंटेनर आपको तब यूज़ करना चाहिए जब आप सोच रहे हो कि एक माइक्रोफाइबर क्लॉथ से आप अपनी व्हीकल को ड्राई वाइप करना चाहते हैं, पर वो ना कीजिए बिकॉज उससे ड्राई वाइप करने से माइनर स्क्रैचेस एंड माइनर इम्परफेक्शंस आ सकती है पेंट पे. इंस्टेड मैट फिनिश मेंटेनर को स्प्रे करके माइक्रोफाइबर टॉवल के साथ यूज़ कीजिए जैसे हमने डेमोन्स्ट्रेट किया. एंड मैट वॉश शैम्पू की अगर बात की जाए देन इट इज़ आइडियल टू यूज़ इट वंस इन एवरी 15 डेज या तब जब बाइक या कार की कंडीशन इतनी डर्टी हो जाए जैसे कि इस बाइक की कंडीशन थी एट द स्टार्ट ऑफ द वीडियो. अनदर बोनस टिप फॉर आवर व्यूअर्स इज़ कि मैट फिनिश मेंटेनर या मैट वॉश शैम्पू इज़ नॉट ए मेरिकल प्रोडक्ट, जिसका मतलब ये है कि अगर बाइक की मैट की पेंट फिनिश ख़राब हो गई है यू कैन नॉट डू एनीथिंग टू रिस्टोर इट. इनका काम है वो शोरूम लुक को डे वन से प्रिजर्व करना. सो जिस दिन से आप अपनी मैट व्हीकल या बाइक को लेके आए शोरूम से, डू परचेज बोथ ऑफ दीज प्रोडक्ट्स एंड डू स्टार्ट यूजिंग देम ऑन योर मैट बाइक एंड मैट कार. राइट शेर सिंह, एंड आज की वीडियो देखने के बाद आई जनरली होप कि जितने भी मैट पेंटेड व्हीकल ओनर्स हैं वो अपने व्हीकल्स पे मैट वॉश शैम्पू और मैट फिनिश मेंटेनर ही यूज़ करने वाले हैं, क्योंकि बहुत डिटेल में हमने सारी चीज़ें उनको आज बताई हैं. एंड इतनी सारी चीज़ें हो गई और पूरी वीडियो हमारे वीडियोस ने देख भी ली, एक बोनस टिप तो शेयर करना शेर सिंह बनता ही है यहाँ पे. डेफिनेटली. तो आज का बोनस टिप क्या है? यस, क्योंकि आप एंड तक हमारे साथ इस वीडियो में रहे हैं, द बोनस टिप इज जैसे कि ये स्टेल्थ ब्लैक मैट व्हीकल है, तो अगर आप इसे कंप्लीट मैट लुक देना चाहते हैं इंक्लूडिंग इट्स टायर्स, देन वी रिकमेंड यूजिंग द मोस्ट एफिशिएंट मैट ब्लैक टायर ड्रेसिंग फ्रॉम वेविक्स ऑटो केयर. इसका काम है कार्स या बाइक्स के टायर्स को रिच ब्लैक ड्राई टू टच मैट लुक देना. ओके. हाँ जी,
ओके, अब मेरे क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि इन प्रोडक्ट्स को बाय कहाँ से करना है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने सारे बाय लिंक्स जो हैं वो पोस्ट कर दिए हैं, आप उन पर क्लिक कर सकते हैं और रेकमेंडेड प्रोडक्ट्स वहाँ से बाय कर सकते हैं। एंड एक चीज़ बिल्कुल नहीं भूलनी हमने, वो क्या है शेर सिंह? वो ये है कि मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए इस वीडियो को। अगर आपकी मैट व्हीकल नहीं है, आपके फ्रेंड्स या रिलेटिव्स या नॉन पर्संस की है, तो उनके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा। क्लिक ऑन द बेल आइकन ताकि जो भी विवेक्स ऑटो केयर की तरफ से नई अपडेट्स आएंगी, यू विल स्टे अपडेटेड फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। सो अंटिल नेक्स्ट टाइम, दिस इज करण एंड शेर सिंह साइनिंग ऑफ। बाय बाय, नेक्स्ट टाइम।